हमारे शो का तो नाम है तारों से करें बातें, क्योंकि हम बहुत सारे तारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मगर आज हमने बहुत सारे चांद अपने सेट पे बुलाए हुए हैं, इसलिए आज होगी चांदों से करें बातें। जब से कमरी कैलेंडर ऐलान हुआ है ना, चांद चार चार नजर आ रहे हैं हमें। दुनिया है ही एक चीज है, इन्हें वो भी चार कर दिया चांदों से करें बातें। जे इन्हें दोनों खिलार दो ना, तो फिर होएगा डांगों से करें बात। और अगर चाचे को खड़ा कर दो तो चावलों से करें बात। अच्छा चाचा, अगर मैं तेरी कमर पे एक सोटी खींच के मारू ना, तो हो जाएगा खोतों से करें बातें। ये तेरा आखिरी फैसला है? और पहला भी यही था। चल ले चला तेनु अस्तबल। अब मेरी अगली मेहमान जो है वो सुर की दुनिया की आहा शहजादी है, बड़ी मीठी सुरीली तशरीफ लाती है हमारी बहुत प्यारी सी उमेरा आशा। चलांगी बखिया Cause my rod is the key. Open up your mind to positive energy. To me, it's as easy as 1, 2, 3. Ajay soch niya ki ki gal kehni hai. Ajay soch niya. Ajay soch niya ki ki gal kehni hai. Onne takde te hosh kad rehni hai. Gunde kad ke. चलांगी बखिया ते बड़ा कुछ कहन की आखियां। चलांगी बखिया ते बड़ा कुछ कहन की आखियां। जदों हौली जई लैने मेरा नाम, जदों हौली जई लैने मेरा नाम, मैं था मर जानियां वे वे, मैं था मर जानियां। मैं तेरी
अच्छा जी आप बताइए, ईद वाले दिन अगर आपको कोई बुला ले कॉन्सर्ट पे या फिर किसी रिकॉर्डिंग पे, तो आप चली जाती हैं या फिर आप साफ इनकार कर देती हैं कि नहीं ईद तो मैंने अपनी फैमिली के साथ मनानी, चार दिन के बाद पूछना? नहीं नहीं मैं चली भी जाती हूँ और कभी कभी नहीं भी जाती। अच्छा डिपेंड ऑन मूड। वैसे क्या दिल करता है, किस तरह की ईद मनाएं, क्या प्लान्स होते हैं? क्योंकि चांद रात से ही शुरू हो जाती है सारी तैयारियां, तो आज चांद रात है तो हम ये आपके सारे राज पूछेंगे कि आप किस तरह से अपनी चांद रात मनाती हैं, फिर ईद तक आपका पहला दिन यू नो शुरू होता है। आप पहले तो सबको चांद रात देने जाना पड़ता है, चांद रात भी देने जानी पड़ती है। ये तो मुझे नई चीज़ पता चली, ये तो मुझे नहीं पता, मेरे खाते में बताए ना मुझे। हाँ मुझे, मेरी जो फैमिली है माशाल्लाह हम लोग 9 बहन भाई हैं, तो ज़रा फैमिली जो है वो बड़ी है। हाँ। तो मैं ज़रा ज़्यादा सबकी जो है वो सारे ज़रा मेरे लाड लें। बंदा कमाता किन के लिए, अपनों के लिए कमाता ना, तो इसमें क्या बात है यार, वाकई कमाता तो बंदा अपनों के लिए, कोई शक नहीं। रेचल आपकी एक्साइटमेंट क्या होती है चांद रात से? चांद रात पे डेफिनेटली चूड़ियाँ और मेहंदी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेहंदी लगवाना और चूड़ियाँ। वैसे आप शहजाद भाई की फैन है, अच्छा शहजाद उन्हीं की मॉडल भी थी, तो इसी वजह से पूछ रही हूँ कि उन्हीं की मेहंदी लगती है जो कि मुफ्त होती है, या फिर ये आपको जो गली मोहल्लों में या लिबर्टी में यू नो किसी चौक पे या फिर डिफेंस की किसी गली में कोई चूड़ियाँ? ऑब्वियसली आप स्टॉल टू स्टॉल जाते हो, बट मेहंदी सैलॉन्स पे ही ज्यादा मैं लगवाती। स्टॉल वाली मेहंदी नहीं पसंद जहाँ पे वो जरा म्यूजिक भी बज रहा होता है, इतना इतना रश होता है कि टाइम ही नहीं होता उनके पास लाइन में, आप जी आप वेटिंग पे, तो इतना तो फिर कहाँ। अच्छा, तो 6-7 ईदें जो है ना इसने मुफ्त भरी की है। अच्छा। हाँ, जब जाती है ना अपना मेहंदी लगवाने के लिए, तो दुकानदार को ऐसा रोमांटिक होकर देखती थी, वो बेचारा पैसे नहीं लेता था। मैंने आज तक कभी मेहंदी के पैसे दिए नहीं है, ये बात सही है। जनाब आप सच सच बताइएगा कि इस बात पे यकीन रखती हैं कि लोग कहते हैं ना कि अगर मेहंदी का रंग लड़की के हाथ में गहरा आया तो फिर लड़का भी बहुत गहरा प्यार करेगा, बहुत सच्चा प्यार करेगा। सच कहते हैं अगर मेहंदी का रंग गाढ़ा हो तो फिर जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं और सास भी बहुत प्यार करती है। अच्छा मैंने ये सुना है बड़ों से कि वो कहते हैं कि मेहंदी का रंग ज्यादा हो तो फिर सास ज्यादा सास ज्यादा प्यार करती है। सास ज्यादा ये लड़के ये ऐसे बंदे का तो नहीं सुना, सास का ही सुना। अच्छा ऐसे ही बातें बनी हुई है, मेहंदी का रंग गहरा हो तो हस्बैंड जो है वो बहुत प्यार करने वाला मिलता है। हमने तो बचपन में सुना था कि जी छिपकलियां मारो तो बीवी गूंगी मिलती है। मैं तो अपने सामने ना घर जाके भी मारियां, फैक्ट्रिया च जा के छिपकलियां मारियां, अल्लाह के फजल ने इन्ना के बोल दी है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰੂੰ। ਜਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਪੇ ਕਿਤਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਜਬ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। शादी से पहले चूड़ियों के स्टॉल पर, अब टी स्टॉल पे जाता है। यही होता फिर बंदा चाय वाला हिट हो जाता।